नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सेवड़ा में 5 किलोमीटर, ग्राम सिरसा में प्राचीन बावड़ी है लेकिन क्षतिग्रस्त हुई है। आसनांग तक शासन की मरम्मत भी नहीं कर पाए। आपको बता दें, जब सैकड़ों लोगों की आस्था इस बावड़ी पर है, उस प्राचीन बावड़ी को सनकुआ धाम से जोड़ते हैं ग्रामीण, फिर भी सैकड़ों लोगों की आस्था शासन के द्वारा भारी जा रही है। केवल इतना ही नहीं, 9 महीने क्रम से कम क्षतिग्रस्त हुई बावड़ी को शासन प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। जनपद पंचायत CEO ओएन गुप्ता, जिसे सेवड़ा संवाददाता ने से बात की, तो उन्होंने बताया, पूरे अमले के साथ हम लोगों के ने निरीक्षण किया, जल्द ही जल्द हम लोग उसको ठोक कर करवा देंगे ताकि प्राचीन यादगार बावड़ी बनी रहे। धरोहर के तौर पर ग्रामीण ने इस बावड़ी की मरम्मत जैसे की तैसी करवाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। आचार्य गंगाराम शास्त्री के अनुसार सिरसा सूर्य के कारण इस स्थान का नाम सिरसा पड़ा, किंतु जब मैं PhD और डिलीट का शोध कार्य कर रही थी तो मैंने सेवढ़ा को कैक्टस यानी थुअर की अधिकता वाला क्षेत्र सेवढ़ा कहा। सेवढ़ा का सेहुड़ माने होता है थुअर, कैक्टस। ये अधिकता जहाँ है वो स्थान वनस्पति बोधक अर्थात सेवढ़ा, और सिरसा शीर्ष की अधिकता होने वाला, जिसे आम बोली में सिरस कहते हैं, ऐसे वृक्षों की अधिकता वाला स्थान सिरसा है। हमारे यहाँ 5-6 बावड़ियाँ हैं पूरे क्षेत्र में। एक तो दबोह में रहकुला माता, जहाँ मलखान ने जो है बावड़ी बनवाई थी। दूसरी चंदेवा की बावड़ी ज़िले में है, और ये कुंजावती की बावड़ी खड़ुआ इंद्रगढ़ के पास है। लेकिन सेवढ़ा के समीप सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान वाली बावड़ी, जो कि 200 मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 41-42 सीढ़ियां हैं, जो 3 खंडों में बटी हुई बावड़ी है, मान्यता है और जनमानस में ऐसा विश्वास और जनश्रुति है कि सार्थवाहों ने, बंजारों ने इस स्थान का निर्माण कराया था। कब? जी सर, ये जो प्राचीन बावड़ी है ग्राम सिरसा में सर, तो काफ़ी दिनों से वो मतलब बिखरी हुई है और आस्था भी लोगों की है, और ये अपने सनकुआ धाम से उसे जोड़ा जाता है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिरसा की बावड़ी जो है हमारे विकास खंड में सबसे प्राचीन बावड़ी है, और उस बावड़ी का हम लोगों ने मौका मुआयना किया है। हमारे सहायक मंत्री श्री संजय कुशवाहा और हमारे जो उपमंत्री हैं क्षेत्र के OP शेंगर, उनको लेके हम बावड़ी का मौका मुआयना करने गए थे, और उसमें हमने ये देखा है कि बावड़ी का कुछ हिस्सा गिर गया है, तो उसके प्राचीन स्वरूप को बनाए रखने के लिए उसी तरह का जो शेष हिस्सा बचा है उसको देखने से ऐसा लगता है कि उसी हिस्से के मुताबिक उसका जो है फिर से जीर्णोद्धार हो, इसके लिए सहायक मंत्री के निर्देशन में उसका एस्टीमेट हम लोग तैयार करवा रहे हैं। एस्टीमेट को उन्होंने कुछ बना भी लिया है, उसको एक बार चेक करके एस्टीमेट फाइनल करके जरा CEO महोदय को भेजा जाएगा, और तकनीकी स्वीकृति हमारे कार्यपालन मंत्री RES के देंगे, और उसका जैसे 10 तारीख को आचार संहिता समाप्त होती है उसके तत्काल बाद उस पर हम काम शुरू कर